यहाँ पे क्या करते हैं मालूम है, किसी का एक अच्छा रहता है तो उससे कंपेयर करते मैं उसके जैसा नहीं हूँ भाई, छोड़ देता हूँ अपने लाइफ में कुछ करते छोड़ देता हूँ और वो कंप्लेंट उसको उसके जैसा मेरा दिमाग नहीं पड़ता तो मैं बदलता हूँ। नहीं बाबा उसको छोड़ो, उसके बारे में चिंता छोड़ो, तुम्हारा दिमाग कैसा होगा कहाँ से बोलो। जी तुम 500 मीटर भाग रहे हैं तो तुम 4 माइल भागने का सोचना नहीं, 500 मीटर को ही परफेक्ट करो भाग भाग के, बाद में 1 माइल भागने वाले से कंपेयर मत करो, तुम भागने का सोचो। दैट इज व्हाट बिलीव मी, कंपैरिजन करने से बिगड़ता। देखो इनका 60% टाइम है 100 लोगों से कंपेयर करने से रहते हैं, और ज़्यादा आने से वाले तो उनकी तुमको बोले से रहते हैं उतना निकाला। देखो वहीं पर मार डालते हैं, वहीं पर बैठा देते हैं। मैं कोई अरे मैं कम नहीं पड़ी, मुझसे तो मैं कम हूँ ना, लेकिन ये 10 साल के बाद कौन कम रहता कौन ज़्यादा रहता, राइट और रॉन्ग? तुम कभी वैसा करते थे नहीं? कंपेरिजन करो मत, कॉम्पिटिटिव थी बस। क्यों रेस में क्यों करते हैं? व्हाई डू यू वांट रेसेस, राइट? अभी देखो कैसा है मालूम है, कोई मैं देख रहा हूँ यहाँ ट्रेंड देख रहा हूँ यार, कोई भी नमक कार खरीदाना चलो या तो लोन गिन लेके तो कार खरीदो, राइट? उसका ग्रोथ जो है ना अलग, हर किसी के लिए टॉपिंग है, कोई भी किसी के ग्रोथ को देखता है वो उसके ग्रोथ को देखने में अपना ग्रोथ भूल जाए। अपना ग्रोथ सोचे हम, हमको पहले देख किसी का ग्रोथ तो आंखों को दिखता है तो हमारे लाइफ में हम फोकस नहीं कर सकते, वहीं पर फंसते हैं। उसका ग्रोथ देख रहे तो हम हमारे लाइफ में कैसा फोकस कर सकते हैं? सी व्हाट आई एम टेलिंग यू, इफ़ यू सी मीनिंग, अभी तुम आगे जाते पढ़ने के लिए यू सी मीनिंग पीपल लाइक दैट। कोई क्या करते मालूम है, कोई इंग्लिश में अच्छा बात करते रहते, हमको देख के फैसिनेट होते हैं, जो मैं क्यों नहीं बात करता था। छोड़ो क्या करने का है, यू बी योरसेल्फ, तुम कैसे हो वैसे रहो भाई। दैट इज नेचुरल गेम खेलना बोलते जाते, नेचुरल गेम खेलना वो क्या है, MS धोनी देखे आप, तुम इतना जोर से क्यों मारते बोलते हो, मैं पैर से मारता बोलते हूँ, ठीक है? देखो पैर से नहीं मारते हम, तुमको जोर से लगते हैं बोलते हैं, राइट? तो क्या रहता है मालूम है, तुम्हारा इंटरेस्ट खींच के लेकर जाता है, वो इंटरेस्ट फाइंड करो। एक्चुअली देखो ऐसे जो सेशन रहते ना हर वीक PU कॉलेज में होना ये बहुत ज़रूरी है। तुम बोले तो सही, तुम क्लियर ये सब क्यों कर रहे हैं यार, ये परसेंटेज क्यों नहीं कर रहे, आगे का करियर अच्छा बनाने के लिए कर रहे, फिर वही क्लियर नहीं तो फ़ायदा क्या? ठीक 2 ईयर्स तुमको यहाँ पे इस चीज़ के बारे में कहाँ से तो मोटिवेशन था आगे करियर कैसा बनाना, या तो यूसी फाइनल था क्या? फिर वैसे ही पढ़े तुम यूसी खत्म होने तक कैसे पढ़े बोलो? कंप्यूटर साइंस के बारे में सोचा मैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पढ़ रहे, वो पूरा खत्म होने के बाद इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। तो बात में जो रहता ना पूरा क्लियर रहना यार, कहाँ जाने का है, क्योंकि फिक्स का टारगेट है तो वो टारगेट में मैं पहुँचूँ कैसा सोचते आप? टारगेट ही नहीं बिक्र बोले तो जाते कैसा? हाँ फिर टारगेट फिक्स करो अच्छे से, कहाँ जाने का क्या है,